दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को मुंबई वर्सेस गुजरात के बीच खेले जाने वाले मैच नंबर 35 का एक सटीक भविष्यवाणी देने वाले हैं। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि पिछले लगभग सभी मैचों का भविष्यवाणी बिल्कुल सही जा रहा है और चार मैचों का भविष्यवाणी सही होते होते गलत हो गया है। दोस्तों अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस का बिग फैन तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। IPL का 35वां मुकाबला 25 अप्रैल दिन मंगलवार शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IPL 2023 का 16वें सीजन का यह 35वां मैच है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात की टीम पिछले साल की IPL चैंपियन टीम रही है, वहीं इस साल भी गुजरात का प्रदर्शन अब तक खेले गए मैचों में अच्छा रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों को मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट या फिर सेशन खेलना है तो गुरुजी प्रेडिक्शन के साथ जरूर से जुड़ना। इनका 95% से ज्यादा एक्यूरेट काम रहता है और बहुत ही सही रिपोर्ट आपको देंगे जिससे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो इनसे आप बात कीजिए और फुल प्रॉफिट कमाइए। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की ओर। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अभी तक IPL में केवल एक ही मुकाबला खेला गया है जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने जीत दर्ज की थी और IPL 2023 में इन दोनों टीमों के बीच पहली बार भिड़ंत होगी। गुजरात और मुंबई के बीच यह मुकाबला 6 मई 2022 को खेला गया था। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 रनों से अपने नाम किया था और गुजरात की टीम को इस मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेज करने वाली टीम का बोलबाला रहता है। IPL 2023 में इस मैदान पर 3 मैच खेले गए हैं और तीनों ही मैच में जीत रनों का पीछा करने वाले टीम के हाथ लगी है। KKR की टीम ने इसी ग्राउंड पर 205 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। अगर आंकड़ों की देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम गुजरात से काफी आगे है। इन दोनों के टीमों के बीच 2022 का IPL में कुल 1 मैच खेला गया था। इस मैच में मुंबई की टीम ने जीत दर्ज की थी और गुजरात इस मैच में 5 रनों से हार गई थी। गुजरात की टीम पिछले साल की IPL चैंपियन टीम रही है, वहीं इस साल भी गुजरात का प्रदर्शन अब तक खेले गए मैचों में अच्छा रहा है। इसके साथ ही गुजरात टीम यह मैच अपने घरेलू मैदान में खेलेगी जिसका फायदा गुजरात को मिलेगा। वहीं मुंबई इंडियंस का पिछला IPL सीजन बहुत ही खराब रहा था, साथ ही मुंबई का प्रदर्शन इस IPL सीजन में भी लगभग मिला जुला ही रहा है। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच 25 अप्रैल को खेले जाने वाले मैच गुजरात टाइटंस ही जीतेगी। दोस्तों अब क्या है आपका राय, आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह का IPL अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।